हेलो दोस्तों, मैथ्स से डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉसी यूलर इक्वेशन में एक टॉपिक छूट गया था, लेजेंडर लीनियर इक्वेशन, उसे पढ़ने वाले हैं। लेजेंडर लीनियर इक्वेशन, हमने जब कॉसी यूलर इक्वेशन पढ़ा था उसमें हमारा एक लेजेंडर लीनियर इक्वेशन छूट गया था, आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट इंटू ए प्लस पी एक्स का हो कि पावर एन इंटू डी टू पावर एन प्लस ए वन इंटू ए प्लस बी एक्स टू पावर एन माइनस वन डी टू पावर एन माइनस वन सोन अप टू ए एन माइनस वन ए प्लस बी एक्स इंटू डी प्लस ए एन ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स। अगर हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो उसे हम लेजेंडर लीनियर इक्वेशन कहेंगे, वेर ए नॉट ए वन सोन अप टू ए एन ए वी आर कॉन्स्टेंट। तो हमारा ये लेजेंडर लीनियर इक्वेशन होता है। इसको सॉल्व करने का मेथड डिस्कस कर लेते हैं। पुट ए प्लस बी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड। अगर हमें गिवन लेजेंडर लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो हम ए प्लस बी एक्स को ई टू द पावर जेड पुट कर देंगे इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स ऑफ d इक्वल टू बी डी वन हो जाएगा, जहाँ पे d1 वन इक्वल टू डी अपॉन डी जेड होगा। इसी तरीके से a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू डी वन माइनस वन सो ऑन अप टू, इसी तरीके से a प्लस बी एक्स टू द पावर एन डी टू पावर एन इक्वल टू बी टू पावर एन डी वन इंटू डी वन माइनस वन सोन अप टू डी वन माइनस एन माइनस वन। इस तरीके से हम गिवन लेजेंडर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 इंटू डी माइनस 36 ऑफ y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। गिवन इक्वेशन हमारी लेजेंडर लीनियर इक्वेशन है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। लेट 3x प्लस 2 इक्वल टू ई टू द पावर जेड। अभी हमने पढ़ा था ए प्लस बी एक्स को हम ई टू द पावर जेड कंसिडर कर लेंगे इक्वल, दिस इम्प्लाइज लॉग ऑफ 3x प्लस 2 इक्वल टू जेड, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अगेन इसे सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 3x ऑफ d इक्वल टू 3 डी वन, वेयर डी वन इक्वल टू डी अपॉन डी जेड। अभी हमने पढ़ा था ए प्लस बी एक्स ऑफ डी को हम बी डी वन लिखेंगे, यहाँ पे 2 प्लस 3x ऑफ डी इक्वल टू 3 डी वन, 2 प्लस 3x ऑफ होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू डी वन माइनस वन, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू डी वन माइनस वन। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज निकाल ली। ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 3 स्क्वायर इंटू डी वन माइनस वन प्लस 3 इंटू 3 डी वन माइनस 36 ऑफ वाई इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं, एक्स 3x प्लस 2 इक्वल टू ई टू द पावर जेड हमारे पास वैल्यू है। x की वैल्यू निकालेंगे तो ई टू द पावर जेड माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x, x की जगह पे e टू द पावर जेड माइनस 2 अपॉन 3 प्लस
वन। तो हमने सारी वैल्यूज इक्वेशन की वन इक्वेशन में पुट कर दी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 इंटू डी वन इंटू डी वन माइनस वन प्लस डी वन माइनस फोर ऑफ वाई इक्वल टू, हमने 9 कॉमन ले लिया, इक्वल टू 1/3 ऑफ ई टू द पावर 2z माइनस 4 ऑफ ई टू द पावर z प्लस 4 प्लस 4/3 ऑफ ई टू द पावर z माइनस 2 प्लस 1। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सिंप्लीफाइंग। अगेन 9 इंटू डी वन स्क्वायर माइनस 4 ऑफ y इक्वल टू 1/3 ई टू द पावर 2z माइनस 1/3 डी वन स्क्वायर माइनस डी वन, डी वन से डी वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें 9 इंटू डी वन स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, डी वन स्क्वायर माइनस 4 ऑफ वाई इक्वल टू 1/27 ई टू द पावर 2z माइनस 1/27, 9 से डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ से ऑक्जुलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं, ऑक्जुलरी इक्वेशन मिल जाएगी हमें डी वन स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज डी इक्वल टू प्लस माइनस 2, डी की वैल्यू हमें प्लस माइनस 2 मिल जाएगी। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा हमें सी वन ई टू द पावर 2z प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस 2z इक्वल टू सी वन ई टू द पावर 2z की जगह हमें वैल्यू मिल जाए 3x प्लस 2, हमने 3x प्लस 2 की वैल्यू ई टू द पावर z मानी, तो हमारे पास ई टू द पावर 2z का वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी टू 3x प्लस 2 पावर माइनस 2। तो हमने यहाँ से जेड की वैल्यू पुट करके ऑक्जिलरी इक्वेशन से फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाले। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1/27 ई टू द पावर 2z, सबसे पहले हम इस टर्म का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं, इक्वल टू 1/27, हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा 1/27 ऑफ 1/fd, fd की वैल्यू है डी वन स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 2z, तो 1/27 इंटू ई टू पावर 2z का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम इस तरीके से निकालेंगे, इक्वल टू 1/27 टू 1/, यहाँ पे हम डी वन की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसे हम फैक्टर कर लेते हैं, डी वन प्लस 2 इंटू डी वन माइनस 2 इंटू ई टू द पावर 2z इक्वल टू 1/27 इंटू 1/ डी वन माइनस 2, तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हम डी वन की जगह 2 नहीं रख सकते, डी वन प्लस 2 की जगह हम 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 2 ई टू द पावर 2z इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 27 108 इंटू 1/ डी वन माइनस 2 इंटू ई टू द पावर 2z, 1/fd ऑफ ई टू द पावर 8z इक्वल टू 1/fa इंटू ई टू द पावर 8z, हमने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, यहाँ पर डी वन की जगह पे 2 वैल्यू रख दी, यहाँ पर नहीं रख सकते, डी वन इक्वल टू रखें तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने डी वन प्लस 2 में डी वन की जगह पे 2 वैल्यू रख के हमने ये वैल्यू निकाल दी, इक्वल टू 1/108 इंटू जेड अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर 2z, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, 1/ डी वन माइनस ए टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर 8z इक्वल टू जेड टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल ई टू द पावर 8z, जब हम डी वन इक्वल टू ए वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाते, तो उस टाइम पे हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर हमारे पास 0 मिलती है तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो इस टाइम हम डी वन की जगह पर ए वैल्यू पुट करते हैं तो ए वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, इक्वल टू 1/108 3x प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 3x प्लस 2, हमने यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट करके पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा निकल गया 1/27 ऑफ ई टू आर 2z का। अब दूसरे टर्म का निकाल लेते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ
minus 1 upon 27 equal to minus 1 upon 27 of 1 upon d1 square minus 4 into 1 equal to minus 1 upon 27 1 upon d1 square minus 4 into e to the power 0 z. 1 को हम e to the power 0 z लिख सकते हैं. Equal to minus 1 upon 27 into 1 upon 0 square minus 4 into e to the power 0 z. Equal to 1 upon 108 हमें value मिल जाएगी. हमने यहाँ पर d1 square की जगह पे 0 value put कर दी. 1 upon fd of e to the power az equal to 1 upon fa into e to the power az से formula से हमने यहाँ पे value put कर दी. अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मिल गया, सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू c1 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c2 इंटू 3x प्लस 2 टू द पावर माइनस 2 प्लस 108 1 अपॉन 108 इसे हम कॉमन ले लेते हैं इंटू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 1. तो हमारा ये लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा. तो दोस्तों आज हमने कॉची यूलर इक्वेशन में एक फॉर्म हमारी बची थी लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन, तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.